तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। इस वाली वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने पबजी BGMI COD का गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी स्मूथ और इंटरनल ऑडियो के साथ। और आपका जो गेम प्ले होगा वो काफ़ी स्मूथ होगा और आपको कोई भी इशू, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में कम रैम है 2 GB की, 3 GB की, फिर भी आप इस स्क्रीन रिकॉर्डर से अपने फ़ोन में गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो लैग फ्री ऑडियो के साथ और HD क्वालिटी में 60 FPS में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी इनेबल कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये जो वीडियो में आप गेम प्ले देख रहे हो ये भी मैंने रिकॉर्ड किया है इसी एप्लीकेशन से। इस एप्लीकेशन का नाम है एक्स रिकॉर्डर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो जो गेम प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है, कोई भी लैग इशू वगैरह नहीं देखने को मिलता है और कलर्स वगैरह, शेडोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे दिखते हैं और कुल मिला के गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड होता है इस एप्लीकेशन। तो गाइज़ एप्लीकेशन का नाम स्क्रीन रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर में सर्च करना स्क्रीन रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर। ओके, 19 MB की एप्लीकेशन है, 100 million+ डाउनलोड्स हो चुके हैं इस एप्लीकेशन के। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस को अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ। तो गाइस जैसे आप अलाउ कर दोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ये डेमो के लिए दिखा रहा है, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड का बटन देखने को मिलेगा, टूल्स का बटन देखने को मिलेगा, होम का बटन देखने को मिलेगा, सेटिंग्स का बटन देखने को मिलेगा जिससे आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो और टूल्स से आप ब्रश वगैरह यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोज़ वगैरह में। ओके, और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल पर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जिससे आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट उठा सकते हो और ब्रश वगैरह यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो में और टाइप वगैरह कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट वगैरह आपको ऐड करना है वो भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको नीचे एक रिकॉर्ड का बटन देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी है इस एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग्स का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑडियो का। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑडियो पर सिलेक्ट कर देना है। अगर आप अपना वॉइस भी रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको माइक्रोफोन सिलेक्ट, आपका इंटरनल ऑडियो माइक्रोफोन यानी कि अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो और इंटरनल और माइक्रोफोन बोथ यूज कर सकते हो एक साथ ही। और यहां पर आपको दूसरा ऑप्शन रेजोल्यूशन का देखने को मिलेगा, आप फुल HD और HD में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, गेम प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन क्वालिटी का देखने को मिलेगा, आपको अपनी रैम के हिसाब से क्वालिटी सेट कर देनी है। तो यहाँ पर आपको 16 MB/s, 14 MB/s, 12 MB/s, आप 8 MB, 10 MB में भी कर सकते हो और आपकी जितनी रैम है उस हिसाब से आप ये सेट कर देना। फोर्थ ऑप्शन आपको FPS का देखने को मिलेगा, यानी कि FPS, कितने FPS में आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, 60 FPS, 50 FPS, 40 FPS, 30 FPS। क्वालिटी के लिए आप 60 FPS रख देना या ऑटो रख देना। इसमें आपको बहुत सारे और भी फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप ब्रश यूज कर सकते हो वीडियो बनाते समय। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, शो टच का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप शॉर्टकट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन से कर सकते हो आप और एक अच्छा गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो इस एप्लीकेशन से विदाउट एनी लैग और इंटरनल ऑडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी इनेबल कर देना। मैं बोलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।